Hello everyone, in this video we will do network protocol. Now what is protocol? Protocol kya hota hai? Protocol or you can say network protocols are a set of rules outlining how connected devices communicate across a network. तो protocol kya hai? ये है एक set of rules, okay? Rules का एक set बनाया गया है जो ये बताता है कि जितने भी devices एक network में connected हैं, okay? जितने भी devices एक network से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ओके, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इजिली एंड सेफली, जिससे कि वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके. फाइन, तो प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, ओके, विच इज फॉलोड बाय ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड इन द नेटवर्क. प्रोटोकॉल वो रूल्स का सेट है जिसको जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनको फॉलो करना होता है. फाइन, All the devices connected to network need to follow protocol. जितने भी devices network से connected होते हैं उनको protocols को follow करना होता है for successful communication, जिससे कि वो एक successful communication कर सकें, एक दूसरे के साथ information exchange कर सकें. Fine. Protocol serves as a common language for devices to enable communication. Protocol कैसे काम करता है? एक common language की तरह काम करता है devices के बीच में, right? Irrespective of difference in the software, hardware or internal process. अब देखो, जितने भी devices internet से या किसी network से connected होते हैं, okay? उनके softwares different होते हैं, hardware different होता है, internal process different होता है, फिर भी वो एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, right? तो यहाँ पे जो मेन रूल किसका है? यहाँ पे मेन रूल प्रोटोकॉल का है, जो एक कॉमन लैंग्वेज की तरह बिहेव करता है डिवाइसेस के बीच में, ओके, और कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराता है. फाइन, इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट्स इंक्लूडिंग हाउ डेटा इज एनकैप्सुलेटेड, एड्रेस, राउटेड एंड ट्रांसमिटेड. देखो, इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा पैकेट्स. आपको पता है नेटवर्क में डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. तो डेटा पैकेट्स का फॉर्मेट, मतलब कैसे वो डेटा पैकेट क्रिएट होगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ये रूल्स डिसाइड करते हैं, ओके. इंक्लूडिंग, इसमें क्या इंक्लूड है? हाउ डेटा इज एनकैप्सुलेटेड, मतलब डेटा को कैसे एनकैप्सुलेट किया जाएगा पैकेट के अंदर, कैसे उसको डाला जाएगा, कैसे उसको कवर किया जाएगा, ओके. कैसे एड्रेसिंग की जाएगी पैकेट्स की, कौन सा रूट यूज किया जाएगा, राउटेड मीन्स कौन से रूट से वो डेटा पास होगा, ओके, कैसे ट्रांसमिट होगा. फाइन, तो ये जितना भी प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है? वो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से होता है, ओके. नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ऑल्सो डिफाइन मैकेनिज्म फॉर एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल. नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ये भी बताते हैं कि अगर कहीं पे कुछ एरर आ जाती है, कि नेटवर्क में कहीं पर एरर आ जाती है, तो कैसे डिटेक्ट होगी, उस एरर को कैसे करेक्ट किया जाएगा, ओके, और ये कंप्लीट जो नेटवर्क का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, करते हैं प्रोटोकॉल्स, ओके. फर्स्ट वी हैव एसटीटीपी. HTTP stands for Hyper Text Transfer Protocol. Okay, HTTP की full form क्या है? Hyper Text Transfer Protocol. वो protocol जो World Wide Web पर Hyper Text को transfer करने में help करता है. Okay, now what is Hyper Text? Hyper Text क्या है? Hyper Text is the text which contains links to the other text. Hyper Text वो text होता है जिसके अंदर hyper links होते हैं. जैसे आप websites देखते हो, websites में बहुत सारे documents होते हैं, बहुत सारे pages होते हैं, right? और वो pages एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक्स, ओके, टेक्स्ट हाइपरलिंक, पिक्चर हाइपरलिंक्स, ओके. तो यहां पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ओके, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, वेब डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए ये हेल्प करता है. फाइन, नाउ एचटीटीपी इज द सेट ऑफ रूल्स. यू नो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स. तो एचटीटीपी क्या है? सेट ऑफ रूल्स है फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ओके. इसका यूज किया जाता है हाइपर टेक्स्ट को वर्ल्ड वाइड वेब पर ट्रांसफर करने के लिए. हाइपर टेक्स्ट में आपका टेक्स भी आता है, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो एसेट्रा. फाइन, नाउ एचटीटीपी इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. एचटीटीपी किस पर बेस्ड है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. एचटीटीपी अलाउज द क्लाइंट कंप्यूटर. अब यहाँ पे जो क्लाइंट कंप्यूटर किसका है? यूजर का कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो अपने वेब ब्राउजर से, तो यहाँ पे आपका वेब ब्राउजर क्या है? क्लाइंट. आपका वेब ब्राउजर क्लाइंट है और आपका कंप्यूटर है क्लाइंट कंप्यूटर, ओके.
तो HTTP क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द सर्वर. ये आपका कनेक्शन क्रिएट करता है सर्वर के साथ, सो डेट यू कैन मेक योर रिक्वेस्ट, जिससे कि आप अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर सको. द सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट. सर्वर आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है एंड सेंड्स बैक रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को आपके कंप्यूटर पे भेज देता है. फाइन, यहाँ पे देखो पिक्चर में देखो, सबसे पहले क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट को सेंड किया सर्वर को. ओके, और रिक्वेस्ट किसकी हेल्प से जाएगी, आपके HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जाएगी. फिर सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स को क्लाइंट कंप्यूटर के पास सेंड कर देगा, जो किसकी हेल्प से आएगा, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से आएगा. फाइन, हेयर द ब्राउजर एड्स एज एन HTTP क्लाइंट. यहाँ पे आपका ब्राउजर HTTP क्लाइंट है. ओके, वेयर एज द वेब सर्वर एड्स एज एन HTTP सर्वर. और वेब सर्वर कैसे बिहेव कर रहा है, वो एज अ HTTP सर्वर एक्ट कर रहा है. फाइन, नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी एंटर द URL. मान लो आपने अपने ब्राउजर में एक URL को टाइप किया है. ओके, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब. कहाँ पे वर्क करता है ये, वर्ल्ड वाइड वेब पे वर्क करता है. .ncert.nic.in इन अ ब्राउजर. ओके, इट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. तो ये क्या करेगा, ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेयर दिस वेबसाइट इज प्रेजेंट. उस वेब सर्वर के पास जाएगा जहां पे ये वेबसाइट प्रेजेंट है. ओके, HTTP allows the client computer to establish a connection to the server. ये मैंने भी आपको बताया, HTTP की हेल्प से client computer क्या करता है, सर्वर के साथ connection create करता है और request अपनी send करता है. Fine. The web server fetches and sends the requested web pages. Web server क्या करेगा, जो भी data उसको fetch करना है उसको fetch करेगा और वो उसको send back कर देगा. कहाँ पे, client computer के पास. And send the requested web pages as HTTP response to the browser. Okay? तो यहाँ पे जो request send होगी वो भी HTTP protocol की help से send होगी, और जो response आएगा वो भी HTTP protocol की help से आएगा. Fine? Which is displayed on the browser. Okay, response आया और browser के computer पे वो क्या होगा, display हो जाएगा. Here the browser acts as an HTTP client. यहाँ पे browser HTTP client है और आपका server क्या है, HTTP server है. Okay. Next we have file transfer protocol, FTP. FTP is the set of rules or protocols which enables files to be transferred among computers in a network. Okay, so file transfer protocol is used to transfer file from one computer to another in a network. FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल का ट्रांसफर होता है, राइट, इन अ नेटवर्क. यूजिंग द FTP फाइल्स कैन बी अपलोडेड टू और डाउनलोडेड फ्रॉम एन FTP सर्वर टू अ लोकल कंप्यूटर. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से आप किसी भी नेटवर्क से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड किसी भी नेटवर्क में किसी भी सर्वर पर आप अपनी फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हैं. ओके, FTP also works on client server architecture. FTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है. मोस्ट वेब ब्राउजर्स कम विद द FTP क्लाइंट. जो ब्राउजर्स होते हैं, ओके, वो क्या है, दे आर इनबिल्ट FTP क्लाइंट्स. फाइन, ओके, दे वर्क्स एज FTP क्लाइंट. ब्राउजर्स आपका जो यूजर यूज कर रहा है ब्राउजर, वो FTP क्लाइंट वर्क करता है. क्यों, क्योंकि वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ओके, टू डाउनलोड समथिंग और टू अपलोड समथिंग, राइट, दैट इनेबल्स यूजर टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम देयर कंप्यूटर टू अ सर्वर. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एग्जाम्पल लिया है, आपका कंप्यूटर मान लो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे अपनी कोई पिक्चर या वीडियो अपलोड करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका FTP क्लाइंट क्या कर रहा है, फाइल को ट्रांसफर कर रहा है लोकल कंप्यूटर से कहाँ, FTP सर्वर के पास. ओके, एंड वाइस वर्सा, इन द सेम वे, अगर आप चाहते हो FTP सर्वर से कोई भी डेटा डाउनलोड करना, राइट, पिक्चर डाउनलोड करना या PDF डाउनलोड करना, तो क्या करेगा, आपका ब्राउजर एज अ क्लाइंट वर्क करेगा, FTP क्लाइंट वर्क करेगा और FTP सर्वर से डेटा को डाउनलोड करेगा. फाइन, तो यहाँ पे जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. ओके, नाउ FTP प्रोसेस कैसे काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ फाइल ट्रांसफर विद अनदर सिस्टम, जब कोई भी यूजर फाइल ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे सिस्टम से, FTP सेट्स अप अ कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स फॉर एक्सेसिंग द फाइल. तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उन दोनों डिवाइस के बीच में, उन दोनों नोड्स के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है. फाइन, अ यूजर
यहाँ पे यूजर कौन है, एफटीपी क्लाइंट में लॉग इन टू एन एफटीपी सर्वर। तो यूजर जो एफटीपी सर्वर है जहाँ से डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, राइट, आप डेटा को अपलोड कर रहे हो या डेटा को डाउनलोड कर रहे हो, ओके। यहाँ पे क्या है, ये रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि वो आपसे जो एफटीपी सर्वर है लॉग इन करने के लिए बोले, ओके, आपको आईडी यहाँ पे यूज करना पड़े, पासवर्ड यूज करना पड़े, ऑल दो अ लॉगिंग माइट नॉट बी रिक्वायर्ड, और समटाइम्स लॉगिंग करना जरूरी भी नहीं होता है, ओके। द एफटीपी क्लाइंट इंटरेक्ट विद द सर्वर अपॉन अ रिक्वेस्ट। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने क्या किया, एफटीपी क्लाइंट और एफटीपी सर्वर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया। अब एफटीपी क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से इंटरेक्ट करेगा और डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ओके, जो भी उसकी उसकी डिमांड है, अपलोड करना है या फिर डाउनलोड करना है। द एफटीपी क्लाइंट स्पेसिफाइज द फाइल नेम एंड लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड फाइल। अगर मान लो डाउनलोड करना है तो क्या करेगा, वो एफटीपी क्लाइंट स्पेसिफाई करेगा कि उसे कौन सी फाइल चाहिए, ओके, और उसका पूरा कंप्लीट यूआरएल देगा फाइल का, राइट। After that, another connection setups and the file transfer happens directly between the two machines. उसके बाद क्या होगा, एक connection के through FTP client ने क्या किया है, interact किया है FTP server के साथ और अपनी demand बताई है। Second connection में क्या होगा, FTP server according to the requirement, ओके, दूसरा कनेक्शन जो सेट होगा उसमें क्या होगा, फाइल का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एफटीपी सर्वर टू एफटीपी क्लाइंट, जो भी डेटा मांगा गया है वो एफटीपी क्लाइंट के पास आ जाएगा। With FTP, a user can upload, download or move files on the server. FTP की हेल्प से यूजर FTP सर्वर पर अपनी फाइल्स को अपलोड भी कर सकता है, वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकता है, फाइल्स को मूव भी कर सकता है। If you have ever downloaded a file from a web page, you have used FTP. अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने इंटरनेट से या वेब पेज से कोई भी वेबसाइट से कोई भी फाइल अपलोड की है, सॉरी डाउनलोड की है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो FTP का एग्जाम्पल है। आपके पास फाइल डाउनलोड होकर तभी आएगी जब वहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होगा, ओके। डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड FTP प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू व्यू वेबसाइट्स। HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है वेबसाइट्स को अपने सिस्टम पर, अपने ब्राउजर पर व्यू करने के लिए, देखने के लिए, ओके, इसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो। FTP इज यूज टू एक्सेस एंड ट्रांसफर फाइल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से आप फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हो और अपने सिस्टम से फाइल सर्वर पर फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हो, फाइन। HTTP only uses binary format. HTTP में सिर्फ binary format का यूज किया जाता है। FTP can send data both in ASCII and binary format. File transfer protocol ASCII form में भी, format में भी और binary format में भी data को send कर सकती है, fine. HTTP is used to transfer the content of a web page from web server to a client's web browser. तो यहाँ पे क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप वेब कंटेंट देख सकते हो, क्लाइंट कंप्यूटर पे, क्लाइंट ब्राउजर पे वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं, ओके। FTP इज यूज टू बोथ अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स बिटवीन FTP सर्वर एंड FTP क्लाइंट। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से FTP सर्वर और FTP क्लाइंट के बीच में फाइल्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। यूजर फाइल को अपलोड भी कर सकता है FTP सर्वर पर और FTP सर्वर से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकता है। HTTP ट्रांसफर ओनली द वेब पेज कंटेंट टू द वेब ब्राउजर इन ऑर्डर टू व्यू इट एंड द ट्रांसफर्ड फाइल इज नॉट कॉपी टू द मेमरी। HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, जो भी वेब कंटेंट अवेलेबल कराता है यूजर के ब्राउजर पर, ओके, वो सिर्फ क्या होता है, दैट यू कैन ओनली सी, आप उसको देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, वो आपके मेमरी में जाके कॉपी नहीं होता, वो स्टोर नहीं होता। FTP transfer the entire file to the other device and also it is saved in the memory space of the destination device. FTP क्या करता है, जब आप फाइल को क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, तो क्या होता है, आपके मेमोरी में जाके सेव भी हो जाता है, फाइन। नेक्स्ट वी हैव PPP। PPP stands for point to point protocol.
PPP is a communication protocol which establishes a dedicated and direct connection between two communicating devices. PPP protocol क्या करता है, दो devices के बीच में एक dedicated, okay, और you can say direct connection create करता है. Fine, जैसे आप picture में देख सकते हो, यहाँ पे दो devices हैं और दोनों एक दूसरे से connected हैं with the help of the network. Fine, तो यहाँ पे इन devices के बीच में data exchange करने के लिए point to point protocol का use किया जाता है. Right, this protocol defines how two devices will authenticate each other. ये protocol बताता है कि दोनों device एक दूसरे को कैसे authenticate करेंगे, means कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को, and establish a direct link between them to exchange data. और दोनों devices के बीच में एक direct link को create करता है, okay, to exchange data, so that these devices can exchange data easily. Fine. For example, two routers with direct connection communicate using PPP. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है कि दो राउटर्स, ओके, दो डिवाइसेस है हमारे पास, दोनों के पास राउटर है, ओके, तो दो राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट, डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करता है. फाइन, सो डैट दीज टू डिवाइसेस कैन एक्सचेंज डेटा इजिली. A PPP connection exists when two systems physically connect through our telephone lines. Point-to-point connection तब exist होता है जब दो system एक दूसरे से physically connect होते हैं with the help of telephone lines. The internet users who connect their home computers to the server of an internet service provider through a modem also use PPP. जब आप internet connection लेते हो, okay, and आपका जो system है, आपका device है, modem की help से internet service provider से connect होता है, वहाँ पे जो ये connection create हो रहा है, उसमें कौन help करता है? उसमें point to point protocol help करता है, okay? In order to access the internet, okay, point to point protocol is used. The communicating devices should have duplex mode for using this protocol. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो communicating devices है, मान लो आपका computer है और internet service provider का server है, उन दोनों, वो दोनों क्या होने चाहिए, duplex mode में होने चाहिए. Duplex mode में means at the same time they can send the data as well as they can receive the data. Okay, वो एक time पर data को send भी कर सके और data को receive भी कर सके, क्योंकि यहाँ पे एक physical connection create हो रहा है दोनों के बीच में. This protocol maintains data integrity, ensuring that the packets arrive in the order. ये protocol data integrity को maintain करता है और देखता है कि packets एक particular order में arrive करें, okay? It intimates the sender about damaged or lost packets and asks to resend it. अगर user के पास डेटा जा रहा है या फिर सर्वर के पास डेटा जा रहा है, जो भी डेटा सेंड कर रहा है, फाइन, दो डिवाइसेस अगर कनेक्ट है, जो भी डिवाइस डेटा सेंड कर रही है, ओके, और डेटा लॉस्ट होता है इन बिटवीन, तो ये सेंडर को बताता है, जिसने डेटा सेंड किया है उसको बताता है कि डेटा लॉस्ट हो गया है और उससे दोबारा डेटा सेंड करने के लिए कहता है, फाइन. Next we have SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is a protocol used for email services. SMTP protocol का email services में use किया जाता है. It is used when a user send email to another email user. इसका use किया जाता है जब एक user दूसरे user को email send करता है. The SMTP protocol is used by the mail transfer agent to deliver the sent email to the recipient mail server. SMTP प्रोटोकॉल का मेल ट्रांसफर एजेंट यूज करता है टू डिलीवर द सेंड मेल, मेल को सेंड करने के लिए कहां पर, रेसिपिएंट के मेल सर्वर पर, ओके, ओके, यूजर ने मेल को सेंड किया, राइट. अब क्या करेगा मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके उस मेल को रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंचाएगा. फाइन, अब यहाँ पे देखो, अ मेल और मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर. एमटी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसफर ईमेल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑफ अ सेंडर एंड रिसीवर, जिसका क्या काम है, ईमेल्स को सेंड करना, ओके, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. फाइन, तो यहाँ पे जो एमटी है वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है टू सेंड द मेल फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, मेल सर्वर. फाइन, द एसएमटीपी प्रोटोकॉल कैन ओनली बी यूज टू सेंड ईमेल्स. SMTP प्रोटोकॉल का यूज सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए किया जाता है, रिसीव करने के लिए नहीं किया जाता, नॉट टू रिसीव देम, ओके.
Next, we have TCP/IP protocol. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP is a communication protocol used by the internet. TCP/IP communication protocol है जिसका internet use करता है, okay? The TCP Transmission Control Protocol is responsible for dividing the message into packets on the source computer. तो TCP/IP protocol में जो TCP part है उसका क्या work है? Transmission Control Protocol है उसका काम है सोर्स कंप्यूटर पे आपके मैसेज को आपके डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करना. यू नो इट वेरी वेल कि जब डेटा नेटवर्क में ट्रांसफर होता है तो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करने के लिए. टीसीपी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द रिसीव्ड पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन और द रेसिपिएंट कंप्यूटर. इन द सेम वे जब पैकेट्स रेसिपिएंट कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं वहां पे टीसीआईपी उनको रीअसेंबल करता है इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज. फाइन. Now, the IP protocol ensures that each computer or node connected to the internet is assigned an IP address. IP protocol का क्या काम होता है? जितने भी computer, जितने भी devices, okay, internet से connected है, उन सबको एक IP address देना. Fine, उन सबको एक unique identity देना, which is used to identify each node independently. जिससे क्या होगा? आप डेटा को एक पर्टिकुलर नोड एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भेज सकते हो. फाइन. जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं दे हैव आईपी एड्रेसेस. उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो टू एनी डिवाइस. राइट. ओके. सो डेट ईच पैकेट इज राउटेड और यू कैन से सेंड टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन. देखो अगर आपके आप हाउस एड्रेस होता है हाउस एड्रेस है तभी आप कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर हाउस में क्या कर सकते हो सेंड कर सकते हो या कहीं से भी मंगवा सकते हो. ओके. इन द सेम वे जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं दे ऑल हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस. ओके. जिसकी हेल्प से क्या होता है डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर. राइट. तो आईपी प्रोटोकॉल का क्या काम है? आईपी प्रोटोकॉल का काम है टू असाइन आईपी एड्रेसेस टू ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क. राइट. नेक्स्ट वी हैव POP3 प्रोटोकॉल. POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल ओवर द इंटरनेट. POP प्रोटोकॉल का यूज ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है. राइट. POP3 इज अ वन वे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड ऑन द ईमेल सर्वर. आपने पहले पढ़ा था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है सेंडर से मेल को लेकर रिसीवर तक पहुंचाता है. राइट. ओके. तो यहाँ पे रिसीवर साइट पर उसको कौन रिसीव करेगा उसे POP प्रोटोकॉल रिसीव करेगा. फाइन. ओके. द थ्री रेफर्स टू द थर्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल POP प्रोटोकॉल. यहाँ पे जो थ्री यूज किया गया है वो POP प्रोटोकॉल के थर्ड वर्जन के लिए यूज किया गया है. यू कैन चेक योर मेल बॉक्स ऑन द सर्वर एंड कैन डाउनलोड एनी ईमेल यूजिंग POP3. POP क्या करता है SMTP प्रोटोकॉल से ईमेल को रिसीव करता है. ओके. एंड रिसीवर के मेल सर्वर पर उसको सेव कर देता है. फाइन. अब मेल सर्वर पर आप अपने मेल बॉक्स को चेक कर सकते हो और वहां से कोई भी ईमेल डाउनलोड कर सकते हो. इट ऑल्सो अलाउज टू डाउनलोड द रिसीव मैसेजेस ऑन द लोकल मशीन यूजिंग टूल लाइक आउटलुक. और अगर आप ये चाहते हो कि जो आपके मैसेजेस हैं वो आपके सिस्टम पर आपके लोकल मशीन पर सेव हो जाए तो उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हो लाइक आउटलुक. आउटलुक क्या करता है आउटलुक आपके मैसेजेस को सेव करके रख लेता है सो डैट यूजर कैन रीड दैम इवन वैन दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ओके. जितने भी मैसेजेस यूजर ने क्या किया है मेल सर्वर से डाउनलोड किए हैं आउटलुक के अंदर वो उनको कभी भी रीड कर सकता है चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो चाहे ना हो. Now we have HTTPS. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS protocol ensures the security of the text or information being transferred over World Wide Web. HTTPS protocol ensure करता है कि जो भी information World Wide Web पर transfer हो रही है from one device to another वो securely transfer हो. Right? HTTPS is enhanced version of HTTP World
वर्किंग विद SSL. HTTPS क्या है? HTTP का एनहेंस वर्जन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एनहेंस वर्जन है, जो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट के साथ काम करता है. द SSL helps क्रिएट अ सिक्योर एंड encrypted कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड द ब्राउजर. सिक्योर सॉकेट लेयर सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करती है. ओके, आप देखो पिक्चर में देख सकते हो, ये आपका ब्राउजर है और ये आपका सर्वर है. ओके, जब HTTPS के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, राइट, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, तो वो बहुत ही सिक्योर वे में और एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होगा, राइट. इट विल क्रिएट अ सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर. फाइन, SSL encrypts and sends information over a secure connection, making it hard to steal. Secure socket layer information को encrypt करता है and then उसको एक secure connection के through one device से दूसरे device पर transfer करता है, transmit करता है. Okay? जब आपका data encrypted form में travel करता है तो उसको steal नहीं किया जा सकता, और अगर वो steal हो भी जाता है तो कोई भी उस data को समझ नहीं सकता, right? Because data किस form में होता है? Coded form में होता है. Right? Encryption is the process of converting actual information into some code words to hide its actual meaning. Encryption कौन सा process होता है? जिसमें data को, जो actual data होता है, उसको कुछ code words में convert कर दिया जाता है, जिससे उसका actual meaning hide हो जाए. Fine. HTTPS is used for exchanging sensitive information over internet. HTTPS का use internet पर sensitive information को exchange करने के लिए किया जाता है, right? Such as login details, आपकी login details, bank details, payment details, etc. Okay? तो जो sensitive data exchange किया जाता है, वो HTTPS की help से exchange किया जाता है. Fine. Now we have difference between HTTP and HTTPS protocol. First we have HTTP, Hypertext Transfer Protocol. It is a system for transferring information over internet without any security feature, right? तो HTTP क्या करता है? Data को transfer करता है, information को transfer करता है world wide web पर from one device to another, okay? But वो कोई भी security feature provide नहीं करता है आपके data को, right? Your data can be hacked anytime. Fine. It is a system of transferring HTTPS. It is a system of transferring information with secure socket layer that encrypts and sends information over a secure connection, making it hard to steal. Hypertext transfer protocol secure information को transfer करता है with full security. Okay, by using the secure socket layer, जो क्या करता है, data को या information को first encrypt करता है और उसको एक secure medium के through ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, जिससे कि वो स्टील नहीं हो सकती. ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टील दैट इंफॉर्मेशन. HTTP, it is useful for sending non-sensitive information. HTTP security feature नहीं provide करता, तो उसका use आप non-sensitive information के transmit में use कर सकते हैं, like simple web pages हो गया, simple information हो गया, जो अगर steal हो भी जाती है तो कोई उससे नुकसान ना हो. Okay? Now HTTPS, it is used for transferring or exchanging sensitive information. Hypertext transfer protocol secure का use सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है. HTTP, it is generally used for blogs, entertainment information and journal articles. HTTP का use blogs के लिए किया जाता है, simple entertainment information के लिए किया जाता है, okay, journal articles के लिए use किया जाता है. Okay, जब आप से कोई भी इस type की information या web pages access करते हो, तो वहाँ पे HTTP का use किया जाता है. Okay? Now HTTPS, it is used for exchanging information such as login details, bank details, payment details. लेकिन HTTPS का use आपकी crucial information को transmit करने के लिए किया जाता है. अगर आपकी आपकी login details के लिए, okay, आपके bank details के लिए, payment details के लिए, इस type के data को exchange करने के लिए HTTPS का use किया जाता है. Now HTTP, it does not require any additional technology for data exchange transfer. HTTP के अंदर किसी भी additional technology का use नहीं किया जाता, but HTTP के अंदर it requires additional SSL certificate for secure exchange of data or information through secure connection, but HTTPS
SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करता है जिससे कि डेटा का सिक्योर विथ फुल सिक्योरिटी ट्रांसमिशन हो सके. फाइन. नाउ वी हैव टेलनेट. टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेले टाइप नेटवर्क. टेलनेट को टेले टाइप नेटवर्क भी कहा जाता है. टेलनेट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल्स ऑन द इंटरनेट. टेलनेट एक रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल है. रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल मीन्स वो प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से आप किसी रिमोट डिवाइस या रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो. अपने डिवाइस को किसी रिमोट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो. फाइन. टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज यू टू कनेक्ट टू द रिमोट कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क सच एज इंटरनेट. टेलनेट वो प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप अपने डिवाइस को किसी रिमोट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो और रिमोट डिवाइस पे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो. रिमोट डिवाइस पे आप लॉग इन कर सकते हो. फाइन. Now, using Telnet client software on your computer, you can make a connection to the Telnet server. अब Telnet protocol को use करने के लिए आपको Telnet client software को अपने system पर install करना होता है. Fine. जिसकी help से आप Telnet server से connection create कर सकते हो. Telnet server क्या है? जिसके साथ आप connect कर रहे हो और जिसपे आप अपनी commands को execute करना चाहते हो. Okay? इसको remote host भी कहा जाता है. Fine. Now, once your telnet client establishes a connection to the remote host, your client becomes a virtual terminal. जैसे ही आप क्या करते हो, remote host के साथ एक connection create कर लेते हो, right? जो program आपने telnet client program अपने system पे install किया है, जैसे ही वो program remote host के साथ connection create कर लेता है, वैसे ही आपका system क्या बन जाता है, एक virtual terminal बन जाता है, allowing you to communicate with the remote host from your computer, right? एक virtual terminal बन जाता है जिसकी help से आप communicate कर सकते हो remote host के साथ, मतलब दूसरे कंप्यूटर के साथ जो रिमोट प्लेस पर है. फाइन. आप उसके ऊपर अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? उस रिमोट होस्ट पर आप लॉग इन कर सकते हो. फाइन. इन मोस्ट केसेस यू विल नीड टू लॉग ऑन टू द रिमोट होस्ट. सम केसेस में क्या होता है, आपको रिमोट डिवाइस पे लॉग इन करना होता है, विच रिक्वायर्स डैट यू हैव एन अकाउंट ऑन दैट सिस्टम. और इसके लिए क्या चाहिए, आपका भी अकाउंट होना चाहिए रिमोट होस्ट पर, ठीक है? ओकेजनली यू कैन लॉग इन एज अ गेस्ट और पब्लिक विदाउट हैविंग एन अकाउंट. और समटाइम्स क्या होता है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, ओके, एज अ गेस्ट. और इसके लिए आपको अकाउंट का, आपके अकाउंट का होना जरूरी नहीं है. फाइन. तो टेलनेट वो प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप रिमोट लॉग इन कर सकते हो, रिमोट प्लेस पे किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते. Now we have Voice Over Internet Protocol. VOIP stands for Voice Over Internet Protocol. It is a protocol that enables voice communication over the internet. Okay, तो ये वो protocol है, VOIP वो protocol है जिसकी help से आप internet पर भी voice call कर सकते हो. इससे पहले क्या होता था, आप सिर्फ telephone पर ही voice call कर सकते थे. Now it's very easy to use voice calls on internet. ओके. और ये कैसे करता है, थ्रू द कंप्रेशन ऑफ द वॉइस इनटू द डेटा पैकेट्स. आपकी वॉइस जो आप वॉइस कॉल में यूज करते हो, राइट, वो डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. डेट कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड ओवर द डेटा नेटवर्क, जो डेटा नेटवर्क से आराम से ट्रांसमिट करती है एंड देन कन्वर्ट बैक इनटू द वॉइस एट द रिसीविंग एंड. और जब वो जहाँ पे रिसीव होती है वहाँ पे अगेन वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है. Now we have Voice Over Internet Protocol. VOIP stands for Voice Over Internet Protocol. Okay, it is a protocol that enables voice communication over the internet. VOIP protocol की help से आप internet पर voice calls कर सकते हो. इससे पहले हम आप सिर्फ telephone से ही voice call कर सकते थे, पर VOIP के आने पर आप internet पर भी voice call को कर सकते हो, video calls को कर सकते हो, right? और ये किस technique से करती है, through the compression of the voice into the data packets. आप जो voice call करते हो, right, उसमें voice compress होकर data packets में convert हो जाती है. That can be efficiently transmitted over the network. और data packets में convert होने के बाद उसको easily data network पर transmit किया जा सकता है, right, and then convert back into voice at the receiving end. और receiving end में again वो voice में convert हो जाती है. Fine. It uses packet switching. और ये packet switching की help से data को store and forward करती है, right? Okay.
इट इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क. तो ये किसका अल्टरनेट है, जो पहले ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क था, ये उसका एक अल्टरनेट है जो अब बहुत वाइडली यूज किया जाता है. सम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ VOIP एप्स आर, और बहुत सारी एप्स हैं जो आपको VOIP की फैसिलिटी देती हैं, लाइक स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट, फेसबुक मैसेंजर, गूगल वॉइस, एंड देयर आर सो मैनी, राइट. विद द हेल्प ऑफ दीज ऐप यू कैन यूटिलाइज इंटरनेट फॉर द वॉइस कॉल. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.